more. Watch my show, Eat Smart. Assalamu alaikum, everyone. This is Anika. And today also, like always, I'm bringing you two very, very appetizing, very interesting dishes. We're making this cucumber pasta salad. Uske saath hum bana rahe hain bahut hi mazedar Chinese dishes, Sichuan chicken. Both of them are very healthy. Both of them have all the necessary ingredients that you need. And Eat Smart mein yahi hamara jo hai main emphasis hai, that we bring you recipes that are not only good to taste, but actually they're low in calories, they look good, they taste good. Aur unme har चीज लाइक बेसिक जो आपको फूड ग्रुप्स हैं उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, एवरीथिंग इज जस्ट देयर इन द राइट अमाउंट. टाइम हो गया है जाने का और चेक करने का कि आज हमने किस किस चीज की शॉपिंग की है. करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग, तो कहीं मत जाइएगा. हेलो एवरीबॉडी, as you were watching the shows pe aapne dekha hoga hum grocery karne har dafa aate hain idhar, and I realized that we don't really need a lot of ingredients. Aaj hum banane ja rahe hain cucumber pasta salad, and if you want to know what all that is, just stay tuned with on Masala TV and you'll find out. Okay, so sabse pehle humne aaj ka ingredient lena hai celery. So it's nice and green. Just make sure जब आप ले रहे हो तो वो fresh लगे, जैसे ये आपके सामने है, इसके leaves wilted ना हो and जो crunchy effect है that remains there. So we're done with this. Next we have to go and find out where the pasta is kept. और pasta में भी there are so many varieties. And here we are in the pasta section. And हमने basically लेना है penne pasta. So we're going to find brown rice. इधर brown rice का एक packet हमारे पास है. Okay, so sun-dried tomatoes हमने लेने. Sun-dried tomatoes क्या होते हैं? We'll find out, but let's find them first. Here they are. If you want to know what they are, आप देखिए basic ripe tomatoes जो होते हैं हमारे, जब उनको आप ड्राई करने के लिए रखते हैं सनलाइट में, तो उसका वाटर कंटेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और वो थोड़े से डार्क और थोड़े से ड्राई हो जाते हैं. बट वंस आप इसे ऑलिव ऑयल में और थोड़े से हर्ब्स में मिक्स करके खाएं, तो दे टेस्ट फैब्यूलस. वंस दैट्स रेडी, ऐड इट टू योर पास्ता एंड एंजॉय योर सैलेड एंड मील विद योर फैमिली. Alright, so आपने शॉपिंग में देखा हमने आज एक नई चीज़ ली, सन ड्राई टोमेटोज. सन ड्राई टोमेटोज मुझे बहुत पसंद है एंड दे से कि आपकी 40% ऑफ योर वाइटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है एक सन ड्राई टोमेटो में होती है. सन ड्राई टोमेटोज मैंने बताया घर पे भी आप बना सकते हैं और बाहर से भी, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा. बाकी इन्ग्रीडियंट्स के बारे में भी बात करते हैं, देखते हैं इसका आज क्या मेथड है और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सैलेड को. हमें सबसे पहले जो है ना इसकी प्रोसेस बता देती हूँ. हमारे पास यहाँ बॉयल्ड पास्ता है, पेने पास्ता है, साथ में वेजिटेबल्स भी हैं. इसमें हमें एक टमेटो चाहिए होगा, साथ में वी हैव वन क्यूकम्बर जिसे हम स्लाइस करेंगे. फिर हमारे पास पार्सले है, थोड़ा सा फ्रेश बेजल है, लीव्स हैं हमारे पास, एंड टमेटो पेस्ट है. वी हैव लेमन जूस, विनेगर, सन ड्राइड टोमेटोज, कॉटेज चीज, एंड दैट्स इट. अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल. हमने सबसे पहले क्या करना है, वन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का लेंगे एंड अपना स्टोव जो है आप ऑन कर लें मीडियम फ्लेम पे. आपने वन टेबल स्पून के करीब डालने ऑलिव ऑयल का एंड इसमें अब हमने ऐड करना है टमेटो पेस्ट. एंड दिस इज इट हैज़ मोर फ्लेवर इन इट, बट एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा आप ना डालें. ठीक है, हमारे पास फ्रेश बेजल लीव्स हैं, हमें अराउंड वन टेबल स्पून बेजल लीव्स का चाहिए. और ये स्वीट बेजल होता है, इट्स अ हर्ब जो फ्रेश और ड्राई मिल जाता है. सो इफ़ यू डोंट हैव फ्रेश, यू डोंट गेट फ्रेश, तो आप ड्राइड जहाँ हर्ब्स होते हैं इटालियन हर्ब्स, उसमें आपको बेजल मिल जाएगा. एंड टमेटो एंड बेजल गो वेरी वेल टुगेदर. इसमें हमने एक छोटा चॉप्ड अनियन भी डालना है, बट वन से हम हाफ अनियन ले लेंगे बिकॉज दिस इज स्लाइटली अ बिगर साइज. और हमने चॉप कर रहे हैं इसको, यू कैन हियर द सिजल ऑल्सो, इधर सिजल हो रहा है. इसमें हम ऐड कर देंगे बहुत मोटा मोटा भी नहीं रखना, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस.
इससे हमारी आप देखेंगे विनेगर भी इसमें जाएगा। तो सारी जो ड्रेसिंग है, मैंने आपको बताया था कि आप जब ड्रेसिंग्स बेसिकली जब भी सैलेड बना रहे हो तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप मेक श्योर आप क्रीमी जो आपके पास ड्रेसिंग्स होती हैं उनसे उन्हें अवॉइड करें और विनेगर और हल्की सी ऑलिव ऑयल में जो ड्रेसिंग्स हैं उनको लें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास यहाँ विनेगर का है, वाइट विनेगर। इसमें अगर आपके पास इफ़ यू हैव बैल्सामिक विनेगर उसका एक और बड़ा मज़े का टेस्ट होता है एंड यू हैव टू गेट यूज टू इट अ लिटिल बिट। इट्स स्ट्रॉन्गर बट इट्स इवन हेल्दियर दे से। और यहाँ से हम जस्ट गोना टेक इसे यूज कर लेते हैं और हल्का सा इसको जस्ट मिक्स कर दा। लाइक आई सेड बेजल एंड टोमेटोज गो वेरी वेल टुगेदर। अच्छा जी, यहाँ हम इसको रख देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अब हमने क्या करना है। हमारे पास यहाँ सन ड्राई टमेटोज हैं और साथ कॉटेज चीज़ है। हमें चाहिए तकरीबन 1/4 कप ऑफ कॉटेज चीज़, तो जिसको छोटे क्यूब्स में हम काट लेते हैं। पार्सले थोड़ा सा चाहिए जो ऊपर से हम डालेंगे। 1 टमेटो चाहिए, अ मीडियम साइज टमेटो एंड 1 sliced cucumber। तो मैं बात कर रही थी यू नो हाउ टू ईट हेल्दी व्हेन यू आर डाइनिंग आउट। सो देयर आर फ्यू टिप्स बेसिकली दैट यू शुड फॉलो। पहले मैं आपको बता दूँ, हम इसका क्यूकम्बर का नहीं उतार रहे स्किन और इसकी सिर्फ हम सीड्स जो हैं इसको थोड़ा सा सीड्स इसके उतार देंगे। इसको हमने स्लाइस करना है। सो ईच पीस के अंदर से आप हल्का सा और इसको ऐसे करके करना। ये शेप आप देख लें आपने किस तरह रखनी है। आप किसी भी शेप में वैसे तो अपना वेजिटेबल्स काट सकते हैं बट दे ऑलवेज से कि हर चीज़ की एक अपनी शेप होनी चाहिए सो दैट उसकी लुक कम्प्लीटली आ सके। व्हाट आई डू इज़ बेसिकली जब मुझे भूख लग रही होती है शाम के वक्त तो क्यूकम्बर्स लेके उनको छोटा छोटा डाइस करके थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू डाल के उसे यू नो एंड जस्ट मिक्स इट अप, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं बता रही थी व्हेन यू आर ईटिंग आउट, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि आप जब जाएं तो यू ऑर्डर द प्रॉपर ड्रिंक्स। हम शुरू करते हैं जी हमारे लिए कोई सोडा ले आएँ या हम कहते हैं जी कोई फैंसी सी ड्रिंक हो जिसमें बड़ी कैलोरी ज़्यादा हो वो लेकर आएँ। उससे होता यही है कि आप वैसे ही जल्दी फुल हो जाते हैं और आपको ना आप अपने खाने को इंजॉय कर सकते हैं एंड देन यू आर टेकिंग अप टू मैनी कैलोरीज। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने खाने जैसे अपनी ड्रिंक है गो फॉर अ फ्रेश जूस में भी। आजकल तो हर रेस्टोरेंट में कोई ना कोई फ्रेश जूस अवेलेबल होता है। तो हम डाइस करेंगे बातों बातों में, यू नो यू जस्ट स्टार्ट कटिंग वट एवर यू यू नो एज यू फील लाइक। तो इसको थोड़ा सा हम मोटा चॉप कर लेंगे। अच्छा, और फिर मैं बताई थी कि आप पानी लें एंड आस्क देम टू गेट यू अ लेमन और उस पर लेमन को अपने पानी में डाल के जस्ट हैव दैट। और आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यू नो फिर सेकेंड आपके पास क्या आता है, एपेटाइज़र। अब आप एपेटाइज़र जब चूज़ करते हैं तो मोस्टली आप हर रेस्टोरेंट में जाके देखते होंगे कि एपेटाइज़र्स जो होते हैं देर मोस्टली फ्राइड विंग्स हो गए, आपके पास मोज़रेला स्टिक्स हो गई और उनके साथ क्या होता है कि डिपिंग सॉसेस भी आती हैं जो उससे ज़्यादा क्रीमी होती हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सब खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड मंगवाएं सो दैट जब आपका मेन कोर्स आए तो हाफ आपका स्टमक इज़ ऑलरेडी यू नो फुल। अच्छा, पार्सले यहाँ मेरे पास है अराउंड 1 टेबल स्पून। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इसको इसलिए अभी होने दे रही हूँ टोमेटो पेस्ट को क्योंकि मैंने आपको बताया था ये थोड़ी सी कच्ची होती है, डायरेक्टली आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसको हमने ऐसे रखना है। साथ में हमारे पास पार्सले हैं, लीव्स फ्रेश हैं। अगेन फ्रेश ना मिले तो आप एक आप अपने पास बॉटल छोटी ले आएँ जो ड्राइड होती है। एंड अब हमने करना ये है, हमारे पास कॉटेज चीज़ है, ये अराउंड 1 कप होगी और हम इसको 4 हिस्से करके 1/4 कप यूज़ करते हैं। इसके भी आप डाइस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर चीज़ हम कर रहे हैं यूज़ लेकिन उसकी अमाउंट देखें, क्वांटिटी। एंड दिस सैलेड इज़ गुड फॉर 4 पीपल और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4 लोगों के लिए अगर इतना सैलेड बन रहा है तो उसमें एक्चुअली कितना आपको रिक्वायर्ड आपको अमाउंट है। और ईच सर्विंग में अराउंड 160 कैलोरीज होंगी। अब हमारा ये रेडी हो गया है, इसमें हमने ये पास्ता डालने। दिस इज़ अ लिटिल मोर देन कप, हम लोग 1 कप के करीब ले लेते हैं, वैसे आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ 1 कप ऑफ पास्ता। इसको हम मिक्सअप करेंगे। अच्छा, सैलेड हमने जैसे अब ले लिया, अब सैलेड में कौन सा सैलेड लें, वो सैलेड चूज़ करें जिसमें लेट्स से अगेन
ऑलिव ऑयल या आपके पास विनेगर की ड्रेसिंग हो, ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। एंड यहाँ ये रेडी हो गया है बिल्कुल। इसमें हमने ऐड करने अपनी वेजिटेबल्स को, और दिस गोज इन, क्यूकम्बर गोज इन। हमने बिल्कुल नहीं पकाना, फौरन इसको हम बंद कर देंगे। इसमें आप देखिए फिलिंग कितनी है, ठीक है, दिस इज डन। और जब टाइम आता है आपके मेन कोर्स पे जाने का, सनड्राई टोमेटोज को आप यूज कर सकते हैं टोमेटो सूप में भी, और डिफरेंट सैलड्स में, अपने पास्टाज में। और इसको मैं ऐड कर रही हूँ, अब ये रेडी हो गया है, इसको मैंने बंद कर दिया। यू डोंट हैव टू कुक इट। थोड़ा सा हम ड्रिजल करेंगे इस पे सॉल्ट एंड पेपर, तो फ्रेश सॉल्ट हो ये सी सॉल्ट, और साथ में फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। तो जस्ट हैव अ लुक, आप देखिए इसका क्लोजअप कितना मज़े का लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये लो फैट है। हर चीज़ इसमें है, हमने फ्रूट्स डाले, वेजिटेबल्स डाले, इट हैज़ अ लॉट ऑफ विटामिंस, अ लॉट ऑफ मिनरल्स, एट द सेम टाइम इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स इन इट। सो वी आर नॉट एलिमिनेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर डाइट। इसको अब हमने डिश आउट करना है इस डिश में, आपके सामने करते हैं। ऊपसी, और इसको ऐसे करके आप ठंडा भी करके सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो यू कैन जस्ट सर्व इट इमीडिएटली ऑल्सो, हल्का सा वार्म हो। दिस इज डन, लेट्स कीप दिस ऑन द साइड। अच्छा, अब करना ये है कि सैलेड तो रेडी हो गया है, अब इसकी मिक्सिंग में हमारे पास सन ड्राई टोमेटोज जब आप लेंगे ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑलिव ऑयल होता है। दिस इज फॉलिंग राइट नाउ, बट इतना इट्स नॉट दैट बैड। इसको हमने करना ये, हमने डाला था 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल, प्लेन ऑलिव ऑयल। अब आपने ऊपर से 1 tablespoon ही ऑलिव ऑयल का डालना है, लेकिन ये सन ड्राई टोमेटोज वाले, तो इसमें ऑब्वियसली टोमेटो का और हर्ब्स का सबका फ्लेवर एक्स्ट्रा है, और ये इस पर और भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा आपको लिफ्ट दे देगा सैलेड को। इतना ईजी सैलेड था, बस यही करना था। सैलेड को सर्व करेंगे, और साथ इसके बाद बनाते हैं हमारा सिजवान चिकन। क्या डलेगा सिजवान चिकन में, और क्या आपकी बाकी चीज़ें हैं अबाउट ईटिंग आउट different from the rest, we'll find out very soon. Follow me. All right, so hum aa gaye hain idhar, aur ingredients sare pade hain, they look very nice. Sabse pehle chalte hain, hamare paas 2 chicken breasts hain boneless, aur aap log ye le le, aur isko saaf karke aap iske hum log basically slices banayenge. थोड़ा सा जूलियन इसे, इसकी कटिंग होगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि इसको आप स्लाइस